जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है चाइना ने किया पाकिस्तान से बड़ा डिमांड, ये देख फिजा हुई बावली। तो अब पाकिस्तानियों, आपको पता चला चाइना को आप बाय बाय बोल रहे थे आपके ऊपर ही, अभी मतलब वो जितना भी नुकसान हुआ है ना सीपैक में, वो आप लोगों को ही मतलब डबल ब्याज से देना पड़ेगा। तो ये चाइना को तो हर लोग समझते, आप ही नहीं समझ पा रहे क्योंकि अब तक आपको भीख मिलती रहती थी। दूसरे दोस्तों, पहले वीडियो देखते, वीडियो देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जर मुबादला के जखायर मजबूत करने और कर्जों की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए चीन 10 साल में 30 अरब डॉलर यौन फराम कर चुका है। दिवालिया से बचने और IMF का अहम कर्ज हासिल करने में भी चीन ने, अगर मैं कहूँ, बहुत अहम किरदार अदा किया, तो गलत नहीं होगा। चीन क्या कह रहा है? आप हमारे पास चावल और धागे के अलावा तीसरी क्या चीज है जो आप हमें दे सकते हैं? वो चीजें दें, कर्जे मत मांगे। पिछले साल अक्टूबर में ये जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है सीपे की, जो कि स्ट्रेटेजिक मामला तय करते हैं चीन और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, उसकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर में। ठीक है, जो पाकिस्तान ने ख्वाहिशात जाहिर की, चीन उस पर आमादा नहीं था, और फिर कई सारे ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान ने प्रपोज़ किए थे, जो उसकी विश लिस्ट पे थे, वो चीन ने रद्द किए या उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। कौम जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रही है, अब आप खुद सोच लें कि हम कहाँ पहुँचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सौरव और आप देख रहे हैं नाइन। दोस्तों, पाकिस्तान का जो स्थिति है इस वक्त वो बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही भयानक है। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज जिन लोगों को जो सपोर्ट करता था चाइना, पैसे देता था या सीपेक के लिए या जो भी, तो सीपेक का काम ऑलरेडी इन लोगों का बंद पड़ा हुआ है और पैसे अब देने से वो इनकार कर दिया कि भाई अब चावल बेच के और धागा सप्लाई करके तुम कब तक पैसे लेते रहोगे, तो कुछ करो, कुछ बड़ा लेने देने का सोचो। क्या भाई बड़ा क्या दे सकता है पाकिस्तान, पता ही है कि लैंड के अलावा और कुछ तो उसके पास बचा नहीं है। तो भाई अब धीरे धीरे पाकिस्तान भी सेल होने के कगार पे है। ऑलरेडी उसके गवर्नमेंट के जितने भी थे बना बनाया वो तो सेल हो चुके हैं और पाकिस्तान भी अब सेल होने के कगार पे है। तो चलिए सबसे पहले देखने का तो उस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसमें चीन हमारा बड़ा पार्टनर है, सीपेक उसका एक बड़ा ही कलियदी उसका रोल रहा है, लेकिन अगर सीपेक में भी कुछ तातुल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो क्या हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था जून 2013 में, इसका कॉन्सेप्ट पहली दफा ऑफिशियली फ्लोट किया गया, वैसे काम तो पहले से ही चल रहा था। इसका जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो 2015 में हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट के बाद। इसकी दो फेजेस थी, जो फेज वन थी जिसको इन्होंने अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहा, वो उसका पीरियड था 2018-2019 तक, फेज टू का 2022 और 2023 तक, और इसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान इन्होंने अप्रूव कर दिया जो 2017 से लेकर 2030 तक के पीरियड के लिए। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया कि वो जो फेज वन के प्रोजेक्ट्स थे वो आज भी उसमें से कुछ, ज्यादातर तो कंप्लीट हो गए, आज भी उसमें से कुछ कंप्लीट नहीं हो गए। हमारी फौज क्या कर रही है? वो कभी अंदरूनी तौर पे लड़ती है, कभी बैरूनी तौर पे लड़ती है, कभी सऊदी अरब से कर्ज मांगती है, कभी UAE से कर्ज मांगती है, कभी किसी मुल्क से ताल्लुकात ठीक करती है, कभी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन करती है। और हमारा मुआशरा क्या है? नफरत और तकसीम में घिर चुका है। हमारा बुनियादी मॉडल, जो बेसिक मॉडल है, वो फेल हो चुका है। ये निज़ाम बदबूदार हो चुका है। ये जमहूरियत से इन्होंने नफरत करवा दी है चंद खानदानों ने, हालांकि असली जमहूरियत तो जो है वो यूरोप, अमरीका, बरतानिया में है, वही पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो है ये सिविलियन आमरीत जिसका नाम है जमहूरियत रखा हुआ, इससे नफरत करा दी है। हम 3 साल इसी लड़ाई में रहे कि सीपेक अथॉरिटी जो है वो सीपेक को चलाएगी या प्लानिंग कमीशन सीपेक को चलाएगा। फिर हम जो क्रुशियल प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ईस्ट बे एक्सप्रेस वे था, ग्वादर का जो वहाँ पे एक उसकी फेज थी इंडस्ट्रियल पार्क, उसकी फेज टू की एक्सपेंशन थी, उसके लिए जो जमीन थी कुछ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, वो खाली करवाना। मैं आपको बड़ी बड़ी मिसालें दे रहा हूँ, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके ऊपर प्रोग्रेस का ना होना। तो अभी जब ये गवर्नमेंट आई तो इनका आगे ऐलान करना कि हम सीपेक अथॉरिटी को खत्म कर देंगे, वो लॉ वो रिपील नहीं कर सके। चाइनीज ये सारी चीजें देख रहे थे, और फेज टू जिसमें खास तौर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, हमारी उस वक्त ख्वाहिश इनिशियली, वो मुझे कभी कभी वो याद करके हंसी भी आती है कि हम 25-26
SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लेके चले गए उनके पास, उन्होंने कहा जी इसको कम करो, फिर हम 9 पे लेके गए, हमने कहा हर सूबे में 2 तो होने चाहिए, फिर एक वफाक में हो सॉरी, और उसके बाद फिर वो लिस्ट कम करते करते 5 पे होगी, आज एक भी इफेक्टिवली ऑपरेशनल नहीं है। हम तो फेज 1 ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, ज्यादातर काम हो चुका है, फेज 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास कुछ नहीं हो रहा, लैंड एलोकेशन हो गई है, कुछ जगह पर डेवलपर्स आ गए हैं बट कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। तो हम ऐसे बैकग्राउंड में जब इतनी ज्यादा चीजों को एक्सपेंड करते हुए आप उन एरियाज में चले जाएंगे जिसपे म्यूचुअल जो है एक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइना के साथ, और उसके पीछे एक और बैकग्राउंड ये है कि पिछले 4 से 5 साल में हम लोग लिखते रहे हैं, बोलते रहे, आप लोग भी बात करते रहे, बाकी लोग भी, कि सीपैक को बैक बर्नर के ऊपर डाल दिया गया है। एक तो देखें हमारा एक रिवायती एटीट्यूड है, ठीक है कि भड़के मार दो लेकिन ग्राउंड वर्क होमवर्क ना करो, बेहतर होता कोई और हमारे लिए होमवर्क कर दे। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, हमें एक आदत पड़ी हुई है कि हम बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, हम उसके लिए तैयारी नहीं करते, और फिर रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, फिर एम्बैरेसमेंट होती है, फिर जब ये काम नहीं होता, चाइना एग्री नहीं होता, तो फिर आज जो वो लोग थे जिन्होंने ये सारे फैसले करवाने की कोशिश की, मेरे ख्याल उनको आज महसूस हुआ होगा कि ये फैसला उनका JCC कॉल करने का गलत था, वो जो 10 मार्क का उसमें टाइम लगा मिनट्स पे एग्री होने का, और चाइनीज की पोजीशन ठीक थी, तो दे माइट हैव रिव्यूड देयर स्ट्रेटजी टुडे कि नहीं हम गलत हो गए थे। एक मंसूबा आपने इसमें ये मेंशन किया है गवादर में पावर प्लांट का जो कि इम्पोर्टेड कोल पे चलना था, ये काफ़ी अरसे से पेपर्स में था, फिर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इम्पोर्टेड कोल पे नहीं जलाना चाह रहे हैं, वैसे ही बिजली इतनी महंगी हो गई है, लेकिन चाइनीज चाहते हैं कि ये बने। सो इसका थोड़ा सा पस मंजर बताएं कि क्या अभी तक ये मामला लटका हुआ है और क्यों वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेड कोल पे ही चलाना है, थर के कोल पे नहीं चलाना। देखिए इसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन ये है, एक तो ये कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में, ठीक है, ये एक अलग बात है कि आपने गवादर को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, गवादर की बिजली आज भी ईरान से इंपोर्ट करके आप सप्लाई कर रहे हैं, तो बजाय इस पावर प्लांट के ऊपर आप जाते, आप एक ट्रांसमिशन लाइन 500 KV की बिल्ड कर देते जिससे गवादर जो है उसका कनेक्शन रेस्ट ऑफ द कंट्री की जो नेशनल ग्रिड है उसके साथ हो जाता। खैर हम चले गए उसके ऊपर, तो हमारा ये ख्याल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और जिस हिसाब से अभी चाइना ने पाकिस्तान की किया, चाइना उसके जगह पर सही है क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास पहले गधे थे बेचने के लिए तो कुछ सुखा सकते थे, पर अब तो गधे भी नहीं है तो ये वो भी दम तोड़ चुके क्योंकि यहाँ गधे को भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। बात रही दूसरी की, ये इन लोगों को गलत फहमी थी कि जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था सीपैक बनाने के लिए तभी इंडिया में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो उन लोगों को लगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये तो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, बट उस जब 2-3 साल हो गए काम अच्छे से तड़ामार चल रहा था, जैसे ही BJP आई मतलब काम में रुकावट आना स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि उन लोगों का चाइना का प्लान था कि POK में से लाइन खींची जाए मतलब रास्ता निकाला जाए, भारत सरकार कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उस समय हमारी जो हमारा जो देश है चाइना पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड था, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम वहां से इंपोर्ट करते थे, खास करके हम ले सकते हैं मोबाइल, पहली इलेक्ट्रिक सारी आइटम चाइना से आती थी, तो चाइना को लगा कि कांग्रेस की सरकार है हमारा रिलेशन अच्छा है कुछ होने वाला है नहीं, चलो हम ये काम स्टार्ट करते हैं। मोदी जी आए पहले ही उसने चाइना को आउट ऑफ मतलब लास्ट मार के निकाला, पहले ही बोला मेड इन इंडिया, आने के बाद तुरंत हमें हमारे देश में हर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया यूज हम करेंगे, तभी से चाइना डाउन होना स्टार्ट हो चुका, थोड़ा बहुत चला तब तक आ गया कोरोना काल, तो कोरोना काल में चाइना की बच गई पूरी बैंड, सारी ऑलमोस्ट कंट्री जो है वो थोड़ी बहुत चली गई तुर्की, थोड़ी बहुत आ गई इंडिया, तो उस हिसाब से चाइना को हो गया पूरा का पूरा लॉस। अब चाइना के पास पैसा ही नहीं है तो कहां से देगी इसे पाकिस्तान को, क्योंकि अब चाइना जिसको भी पैसा देगी रिटर्न तुरंत मांगेगी, तो तुरंत रिटर्न दे सके ऐसी हालात है नहीं पाकिस्तान के पास, तो ये सब कुछ अभी हो रहा है, आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि अभी चाइना को पता चल गया है क्योंकि जो POK वाला जो पूरा जो एरिया है वो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बहुत कम दिनों तक रह सकता है, उसे मतलब ज्यादा अब टिक नहीं सकता है पाकिस्तान उसमें, तो चाइना अब उसका जो ओरिजिनल गेम है ओरिजिनल उसका जो रूप है उस पे आ चुका है, तो दिखाएगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, इस वीडियो से हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ,
टिल देन जय हिंद जय भारत।